शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम पर अक्सर उंगलियां उठती रहती हैं। उंगलियां उठे भी क्यों ना, क्योंकि हकीकत है ही ऐसी। नगर निगम की लापरवाही का आलम देखिए कि रविवार से रमजान शुरू होने जा रहे हैं और शहर के कई मुस्लिम इलाकों में कूड़े के ढेर लगे। खैरनगर में नाले से ये शिल्ट निकाल तो दी गई, लेकिन सूखने के बाद भी इसे उठाया नहीं जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल घंटाघर और उसके आसपास का भी है। बच्चा पार्क चौराहे के पास खत्ते का भी ढेर नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सफाई की क्या हालत। हाँ, दावा करने में नगर निगम के अधिकारी ना पहले पीछे रहते थे और ना आगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कंवर सेन से रमजान में सफाई व्यवस्था को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि सभी की ड्यूटी लगा दी गई है और सफाई कर्मचारियों को छुट्टी देने से भी मना कर दिया गया है और सफाई बेहतर करने के निर्देश दिए गए। धमकी मिलती है, कुछ नहीं मिलता इसके अलावा। हमारे सभी सफाई निरीक्षकों को है ना, जॉन के जो इंस्पेक्टर उनको निर्देश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें, नालियां साफ रखें, प्रत्येक जुम्मे को हर मस्जिद के आसपास चूना सफाई की व्यवस्था करें। उन्हीं टीमों से कहा कि जो संख्या उपस्थित सोचकर किसी छुट्टी ना दें इस टाइम, एक महीने के लिए क्या बात पड़ता है, और शत प्रतिशत सफाई करने उपस्थित सोच रहे हैं। जो सफाई स्टाफ है 100% रहे उपस्थित। अभी हमने आपको कूड़े के ढेर दिखाए, अब आपके सामने खोलेंगे नगर निगम के नाला सफाई अभियान की पोल। बच्चा पार्क वो प्रमुख चौराहा है जहां से मेयर, नगरायुक्त सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी गुजरते हैं। चौराहे से एक नाला थापर नगर की तरफ जा रहा है। नाला कूड़े से अटा पड़ा है और कूड़े की मोटी परत भी नाले पर जम गई है। काफी समय पहले इस नाले को साफ किया गया, लेकिन दोबारा इस नाले की सफाई का नंबर नहीं आया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर के बीचों बीच के नाले को साफ करने में नगर निगम हाफ रहा है और शहर के भारी छोर के नालों की सफाई की जा रही। अब यह भी देखने वाली बात होगी कि नगर निगम आखिर बरसात से पहले सभी नालों को क्या वाकई साफ कर पाएगा, या ये सफाई कागजी कार्रवाई में ही पूरी दिखाई देगी। नाला सफाई अभियान को लेकर नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है और बड़े बड़े प्लान बनाने की बात कह रहा है, लेकिन बच्चा पार्क से थापर नगर की तरफ जाने वाले नाले का आप हाल देख लीजिए कि किस तरीके से नाला यहाँ कूड़े से अटा पड़ा है। नाले के हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। वो बात अलग है कि नगर निगम ने बाहर के इलाकों में ज़रूर नाला सफाई अभियान का रोस्टर बना रखा है और उसके हिसाब से नाला सफाई की जा रही है, लेकिन बच्चा पार्क के इस नाले की सफाई करने की शायद नगर निगम को सुध नहीं है, तभी तो नाला इस तरीके से कूड़े से अटा पड़ा है और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। ये बात अलग है कि कुछ महीने पहले ज़रूर इस नाले की सफाई की गई थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम की JCB ने यहाँ आना और इस नाले को साफ करना गवारा नहीं समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के तमाम आला अधिकारी, चाहे नगरायुक्त हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, खुद मेयर भी हो, तमाम लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इस नाले की सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये तो सिर्फ एक बान की भर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहर के अंदरूनी इलाकों में जो नाले हैं उनकी भी स्थिति कुछ इसी तरीके से है। तो जो नगर निगम दावा कर रहा है कि बरसात से पहले सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो जाएगी और ऐसे में नगर निगम 250 से जो ज़्यादा नाले हैं उन्हें किस तरीके से साफ कर पाएगा। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, सिटी हलचल। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की नज़र में अपने मेरठ के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म बबुआ की शूटिंग करने ईद के 10 दिन बाद मेरठ आ रहे हैं, तिग्मांशु धूलिया सरदना की बेगम समरू पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, वहीं जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ भी क्रांति धारा मेरठ में शूटिंग करने आ सकते हैं। 5 जून को इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक टीम मेरठ आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि यदि जगह फाइनल हो गई तो फिर टाइगर श्रॉफ भी 5 जून को मेरठ आ सकते हैं। इस फिल्म की कहानी देश की आजादी से जुड़ी हुई है और करीब 1 सप्ताह पहले 3 सदस्य टीम मेरठ का सर्वे भी कर चुकी है। फिल्म में कुछ पुराने सीन दर्शाने के लिए पुरानी जगहों की लोकेशन तलाशी जा रही है। मेरठ के कई लोगों से भी संपर्क साधा गया है और स्टेडियम के लिए परमिशन की भी तैयारी की जा रही है। खासतौर से नादिर अली शाह की कोठी, गांधी आश्रम, नौचंदी मैदान, बच्चा पार्क,
विक्टोरिया पार्क सहित कई पुरानी जगहों के फोटो भी मुंबई मंगा लिए गए हैं और अन्य जगहों की फोटो की डिमांड की जा रही है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा की लाल रंग मूवी को डायरेक्ट करने वाले सैयद अहमद अफजल टाइगर श्रॉफ की फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के दीवानी न्यायालय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण कराने के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई उसका उद्घाटन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय न्यायालय इलाहाबाद राजेश चंद्रा ने किया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश चंद्रहास राम एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण तथा बार के अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश चंद्रहास राम ने बताया कि मध्यस्थता एवं सर्वोत्तम वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक है जिसमें प्रशिक्षण योग्य एवं निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों से उनके सभी विवादों के संबंध में विश्वासपूर्ण तरीके से अलग अलग एवं संयुक्त रूप से बातचीत की जाती है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता केंद्र में विवाद की जड़ तक पहुंचकर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से समझौता कराने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा विवाद में उनके मध्य आ रही अड़चनों के व्यावहारिक समाधान सुझाए जाते हैं और यह जनता को निःशुल्क सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के 29 मई को मेरठ आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग और कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 29 मई को दोपहर 3 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह सुभारती विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। 3 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम पूरे देश में भी चल रहे, कल उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 1000 स्थानों के ऊपर बड़ी सभाएं, मजलिस सभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 से अधिक स्थानों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जो बड़े केंद्र हैं वहां पर वरिष्ठ नेतागण जाएंगे और उसी प्रकार से जो हमारे ब्लॉक तक के हेडक्वार्टर्स हैं, ब्लॉक के केंद्र हैं, वहां तक भी कोई ना कोई मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे। स्थान के अनुसार सभा का आयोजन होगा और वहां पर उपलब्धियां बताते हुए जनता के साथ संवाद करेंगे। उसी क्रम में 29 मई को परसों माननीय राजनाथ सिंह जी मेरठ पधार रहे हैं और उनकी एक इंडोर सभा हम करने जा रहे हैं जिसमें वो, जैसा मैंने कहा, सरकार की उपलब्धियों के विषय में बताएंगे। जो बात माननीय राजनाथ सिंह जी परसों कहेंगे उसको और क्रमशः आगे बढ़ाते हुए विभिन्न स्थानों पर सभाएं करते हुए, जैसा मैंने कहा कि ब्लॉक के लेवल पर सभाएं होंगी, हम एक जनता के साथ सीधा संवाद इन उपलब्धियों को लेकर के करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की साख इस सरकार की बनी है, जिस प्रकार का भरोसा इस सरकार के प्रति बना है और उन उपलब्धियों में और अधिक गति लाने के लिए जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार प्रयासरत है, हमें विश्वास है कि 5 वर्ष पूरे होने तक बड़े गौरव के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संपूर्ण पार्टी देश के सम्मुख, समाज के सम्मुख उपस्थित होगी। उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ मेरठ शाखा के चुनाव कलेक्ट्रेट परिसर के इंग्लिश ऑफिस में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सुबह 10 बजे चुनाव अधिकारी और चुनाव संयोजक की देखरेख में मतदान शुरू हुआ जिसमें मेरठ, मवाना और सरदना तहसील में तैनात कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कुल 119 मतदाताओं में से 116 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 4 बजे के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष पद पर 1 वोट निरस्त हुआ। चुनावी नतीजे आए तो विजयी उम्मीदवारों के चेहरे खिल गए। अध्यक्ष पद पर सुरेश चंद शर्मा ने 11 वोटों से मुकेश कुमार को हराकर जीत दर्ज की, जबकि सेक्रेटरी पर सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर नागेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की, जबकि कोषाध्यक्ष पर राजेश कुमार और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर शकील अहमद समेत अन्य पदाधिकारी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। जीत के बाद सभी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वर्गीय सुधाकर शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मेरे छोटे भाई, ये जो पीड़ित रहा है,
यूनियन ये कहती रही कि जीत मुकेश की हुई है। तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, वो पहले संज्ञान लेके सबसे पहले आ जाएंगे सबके सभी की भावनाओं का। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर, लेकिन हम आपको बता दें कि फास्ट न्यूज के बाद आप देखना मत भूलेगा सिटी हलचल की खास पेशकश, गुरुकुल के गुरु घंटाल में रसोइयों का दर्द।